हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं मोरिंगो और हमने ले लिया है, हमारे घर में ट्री है उसका, मोरिंगो का। और ये देखो, हमने ड्रम स्टिक को ले लिया है और इसको हम इसके छिलके को निकालने वाली है। और ये देखो हम कैसे निकाल रही है इसके छिलके को, और ग्रीन ग्रीन वाला को हम ऐसे नाइफ से हटा रही है और इसको बीच में हम काट लेंगे। ये देखो हमने कैसे काट कर रही है, और अभी हम छिलके निकालने में आसानी हो जाएगी। और ये देखो हम कैसे निकाल रही है, और पूरा का पूरा वीडियो आप लोग वॉच करिए। और इसको हम दाल और आलू के साथ पका के दिखाने वाली है, पोटैटो के साथ। आगे वीडियो में देखिए, वीडियो को स्किप मत करना। और मेरे चैनल पे नई आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। ड्रम स्टिक को हमारी भाषा में बोलते हैं सोजोना पीठे, और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं, और इसको दाल के साथ ज़्यादा खा लेता है, और बिना दाल के साथ भी हम लोग इसको बॉयल करके भी खा लेता है। और आप लोग की भाषा में इसको क्या बोलते होंगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अभी हमने इसके छिलके को निकाल दिया है, ग्रीन ग्रीन वाला को हटा दिया है हमने, और इसको हम अच्छे से धोएंगे और इसको पका के दाल आलू के साथ बनाएंगे। ये देखो हमने दाल और आलू भी ले लिया है, और इसको भी अच्छे से धो के रख दिया है, और हम इसको पकाने के लिए रेडी कर रही है। और ये देखो हमने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, और इसमें हम दाल और आलू को ऐड कर रही है। अभी हमने दाल और आलू को पहले बॉईल करके ले लिया है, और वो अच्छे से पक भी गया है। और अभी हमने कढ़ाई में तेल भी ऐड कर दिया है, सेम कढ़ाई यूज़ की है हमने, और उसको दूसरा बटन में ले लिया है दाल और आलू को। और ये देखो हमने तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, और ओनियन भी ऐड कर दिया है, और ये देखो हम इसको चम्मच से हिला रही है। और चिल्ली और गार्लिक जिंजर भी ऐड कर दिया है, और हमारा सिंपल सा कुकिंग है, तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ये देखो हमने हल्दी ऐड कर दिया है, और इसको भी हमें चम्मच से अच्छे से हिला रही है। और अभी हम नमक ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के बाद अभी हम ड्रम स्टिक को ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इसको पहले अच्छे से फ्यू मिनट्स के लिए हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा आग को नहीं चलाना है, मीडियम हीट करेंगे फायर को, नहीं तो ज़्यादा फायर चलाएगी तो जल जाएगी, इसलिए हम लो मीडियम में पकाएंगे। और ये देखो हमने पका भी लिया है, और थोड़ी देर के बाद हमने आलू ऐड कर दिया है यहाँ पे, जो हमने पहले बॉईल करके लिया था वो पहले से अच्छे से पक चुका है, तो इसको कुछ आलू को हम ऐसे ही कर रही है। और अभी हम जो हमने बॉईल करके ले लिया था उसको अभी ऐड करेंगे यहाँ पे। ये देखो हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे पानी भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और आप लोग को जितना देना है उतना दे सकते हैं। ये देखो हमने ऐड कर दिया है पानी, और अभी हम इसको अच्छे से उबालने देंगे, पकाएंगे।
और उसके बाद ये पक भी जाएंगे। इसको हम कवर करके कुक कर रही है फिर से, और ये देखो चेक कर रही है। और अभी हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है, ये देख सकते हैं। और ये देखो पक भी गया है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।